7 मार्च को मोगा में होने वाले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की रैली की तैयारियां अब आखिरी चरम पर पहुंच चुकी है और सभी अधिकारियों की ड्यूटियां भी लगाई गई है। वहीं जहां इससे पहले इस रैली का नाम जय जवान जय हिंदुस्तान रखा गया था और पंडाल का नाम शहीद जैमल के नाम पर रखा गया था, वहीं अब इस रैली का नाम बदलकर भूमिहीन खेत मजदूर कर्जा मुक्ति रैली कर दिया गया है। 7 तारीख की रैली नूं लेके पूरे जोरों शोरों नाल तैयारियां कीतियां जा रही है। अज एक दिन रह गया बाकी रैली नूं, की कहोगे? 7 तारीख की रैली वास्ते असीं पूरे तैयार हाँ। बहुत वड्डे पद्धर के उत्ते इत्थे प्रबंध चल रहे हैं। तकरीबन 115 एकड़ जगह, बहुत वड्डा पंडाल, लंगर, पानी, पार्किंग, सारिया जिहड़ियां सहूलतां दे प्रबंध चल रहे ने और असीं देख रहे हैं। और ये जिहड़ी रैली सी इहनूं पंजाब सरकार वल्लों असीं हुण करवा रहे हैं, क्योंकि पंजाब सरकार ने सरकार बनण तों पहलां साढ़े माणयोग मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह होणा ने और साढ़े मैनीफेस्टो दे विच इक वादा कीता गया सी, जिथे असी किसानां नूं करजा माफ़ी की गल की सी, उत्थे असी जिहड़े बेजमीने किसान आ जां जिहड़ा दलित भाईचारा उहनां दे वी करजे माफ़ करन दी गल की सी। राहुल गांधी जी ने पहलकदमी की आ, जिन्नियां भी 3 स्टेटां 'च जदों साडी सरकार बणी आ तां उहनां ने ऐलान किया कि जिहड़ी जिहड़ी स्टेट 'च साडी सरकार बणूगी जां सेंटर दे विच जदों साडी सरकार आऊगी तां असीं किसानां नूं करजा मुक्त करांगे। सो उहनां 3 स्टेटां दे विच विद इन आवर्स ही असीं ये डिकलेयर किया उन्होंने, तो कर्जा मुक्त किसानों करने लिए पहलकदमी की। और ये जिहड़ा काम सीगा ये शुरू पंजाब तो होया, सब तो पहला कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार ने इतों किसानों करजा मुक्त किया और हुण जिहड़ी एक कैबिनेट की मीटिंग है उहदे विच मता पास किया गया कि इस जिहड़ी पहलकदमी अगे वधाउंदे हुए जिहड़े दलित भाईचारा आ उहनां दे ते जिहड़े मजदूर हैगे खेत मजदूर उहनां दा कर्जा भी माफ़ करना। सो राहुल गांधी जदों इत्थे आ रहे आ तो इस पहलकदमी अंजाम देने वास्ते उहनां बेजमीने लोगों उहनां खेतां दे मजदूरां नूं उहनां दे उहनां दलित भाईचारे दे लोगों नूं कर्जिआं तों मुक्त करन लई फिर पंजाब तों ही असीं आगाज़ करना। किन्ने कर्जा किन्ने किसानां दा जां मजदूरां दा? किन्ने मजदूरां? इह तकरीबन 550 करोड़ रुपया पहले किश्त च रखा आ, काफ़ी ज़्यादा ये कवर हो जाने और एक पहली हाँ जी 550 करोड़ रुपये के करीब रखा और ये पहली किश्त हैगी है। ये जिमें जिमें जिदा किसानों के लगातार जारी है कर्जा मुक्ति के प्रोग्राम कर करके असं उन्होंने कर्जा मुक्त कर रहे, इवें इन्हों के भी दर्जा बदर्जा दिन ब दिन अगे तो अगे होर लोगों शामिल किया जाऊगा। और 3 साल सरकार दे पए और कृपा करे वाहिगुरू अगों भी दोबारा रिपीट करिए जिन्हें किसानों का कर्जा जिन्हें खेत मजदूरों का दलितों का कर्जा वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का राहुल जी का वादा सारे का माफ कर। तो 19 के चुनाव आ रहे हैं, 19 चुनाव देखते हुए पूरी पंजाब दे विच की पंजाब दे शुरुआत की जा रही है जी? बिल्कुल, तुहाडी इस गल दे उत्ते भी मैं समझदा कि मोहर लाउणी बनती है क्योंकि 19 का जिहड़ा चुनाव है उहदा पंजाब दे विचों कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने साडे प्रधान जाखड़ साहब ने आशा कुमारी जी ने वचन दिता राहुल जी नूं कि असीं 13 दियां 13 सीटां जित के उहनां दी झोली पावांगे। तो राहुल गांधी जी इत्थे पंजाब दे विच जिहड़ी ये लोक सभा की चोण है उहदा आगाज़ करन वास्ते भी आ रहे हैं। असीं मोगे नूं इस करके चुणिया क्योंकि मोगा पंजाब दी धुनी कह लो विचाले बिल्कुल सेंटर दे विच और सारिया जिन्नियां भी मूवमेंट्स लहरां इत्थों चलदियां रहियां और इस करके पंजाब का जिहड़ा आगाज़ है मोगे तो किया। मैं समझदा कि असी मोगे वाले और मैं मोगे तो MLA असी धन भाग हाँ भी ये पहलकदमी साडे हल्के चो हो रही है। जे पहला गल की जाए 2014 की उदों भी मोदी साहब ने इतों रैली की, जे गल करिए 2012 की उदों भी जी रैली बादल साहब ने ऐसे जगह तो ही की। जे तुसी इस तरीके नाल इहनूं लैणी चाहुंदे हो तां वी गल तुहाडी बिल्कुल वाजिब है। जिन्नियां भी रैलियां दा आगाज़ इस धरती तो होया वह सारिया सफलतापूर्वक हुई हैं और असीं समझते हैं कि मोगे की इस धरती पिंड किलीचाल मोगे तो बाहर आके क्योंकि मोगे च इन्नी जमीन नहीं सी सानू मिलनी, बड़ी खुली थान ते असीं यह रैली कर रहे हैं और ये भी जिहड़ी रैली आ उस तरीके नाल बड़ी सफल होगी और जिहड़ी लोक सभा की चोण आ उहदा ये मुढ़ बनूगी, इतों कामयाबी नाल असीं अगे वधांगे।